मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने आयुक्त सभागार में बंद यूनिटों के स्वामियों एवं बैंकर्स के साथ बैठक में कहा कि बैंकर्स बंद यूनिटों को चलाने के लिए सहयोग करें और बंद यूनिट के स्वामी भी बैंकर्स के देयकों का भुगतान से सहयोग करें। मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने बैठक में आए 16 आवेदनों के स्वामियों से एक एक कर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली और बैंकर्स से भी उद्यमियों की मदद करने में आ रही कठिनाइयों के बारे में वार्ता किया। उन्होंने कहा कि बैंकर्स भी उद्यमियों को नियमानुसार सहायता करने के लिए अपने उच्च अधिकारियों से भी वार्ता करें। बैठक में मंडलायुक्त ने उद्योग विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि बंद यूनिटों को संचालित करने के लिए कार्य योजना बनाई जाए। बैठक में मुख्य कार्यपाल अधिकारी गीडा संजीव रंजन, संयुक्त विकास आयुक्त उग्रसेन पांडे, संयुक्त आयुक्त उद्योग आशुतोष त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी व उद्यमी मौजूद रहे। मैंने यहाँ उल्टा देखा है, लोग बोलते वक्त नीचे कर ले, मतलब जाए ड्रॉपलेट्स, इसके बाद जब दूसरे की आनी हो तो आप अपना ढक ले। क्या समस्या है श्रीमान जी? PNGP के तहत यूनियन बैंक तारामंडल ब्रांच में मेरा अकाउंट 3 से 4 साल तक सुचारू रूप से चलता है। मुझे अपने काम में प्रोग्रेस लाना था, उसके लिए मुझे पैसों की सख्त जरूरत। उस दौरान मेरी बात यूनियन बैंक से ही चल रही थी। कुछ महीनों बाद पश्चात मेरी बात सेंट्रल बैंक से हुई, जिसमें मुझे करोड़ों की आवश्यकता तक बताई गई पूरी की जाएगी। कुछ सरकारी सहायता धनराशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो यूनियन बैंक द्वारा 9 से 10 लाख रुपया जमा किया गया। उस दौरान मेरा जो है मार्केट में 5 से 6 लाख रुपए का कुछ इन्वेस्ट था दिया गया और कुछ सेट पेंडिंग मशीन का कुछ अधूरा काम पूरा किया गया। हमारे ब्रांच में टेक ओवर हुआ है 27 जून 2013 को 50 लाख के लिमिट से, फिर 3 मई 2014 को उनको लिमिट बढ़ा करके 70 लाख किया गया। उसके बाद 1 मई 2017 को इनका PA हो गया, लेकिन OTS इन्होंने जो भी वो जितना इनका ऑफर था उतना पर OTS इनका नहीं होगा। कितना इन्होंने इन्वॉल्व थे इनका? इनके बगल मेरी भी है, उसी का दिमाग से उछल रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। घर सिंह बराबर देते रहे, चलते रहे, कोई दिक्कत नहीं आई। जिस दिन बैंक NPA घोषित कर रहा उस दिन ये लिमिट के अंदर था। ये इनका अकाउंट की स्टेटमेंट है सर मेरे पास है। 5-1 में इन्होंने NPA किया, 5-1 में इन्होंने 1 लाख रुपये 69,77,000 रुपये इनका ये कर दिया। NPA के बाद मैंने किया 35,000 एक बार, 50,000 एक बार, फिर भी बिलो ही रहा इनका। लेकिन वही केस सर के लोग उठा कर दिए। छोटा सा आदमी है सर, कोई ऐसी बात नहीं, ये कृषि यंत्र बनाता, सब्सिडी भी इन्होंने नहीं दिया, सरकार की तरफ सब्सिडी थी सर वो भी नहीं दिया इन्होंने, इसलिए आदमी दुखी है। इनकी आदमी चल रही है, बिजली का बिल सर आज तक इनका चल रहा है, कारखाना चल रहा है। अगर इनको सहायता दे देती है बैंक, तो निकल जाएंगे इनके बैंक, तो यूनिट चल जाएगी सर। और आज भी चल रही है, गए मौके पर देखा है, फोटो खींचा है, चल रही है सर। ये सहायता जो भी सरकार ने दिया उसमें से कुछ अंश अगर, तो इसमें थोड़ा आपको कंसीडर करना चाहिए। 45 लाख जो है उसमें